ताजपुर में पुरानी रंजिश के चलते मामूली विवाद को लेकर तीन पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष के दौरान कई राउंड हर्ष फायरिंग भी की गई। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्यवाही करते हुए दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। बता दें कि बाजपुर विधानसभा के गाँव बाजपुर में एक पुरानी रंजिश को लेकर देर शाम दो गुटों में संघर्ष हो गया, जिसके बाद एक गुट ने दूसरे के साथ मिलकर तीसरे पक्ष पर हमला कर दिया। घटना के दौरान करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने घायलों को उपचार कर उन्हें घर भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना में शामिल करीब दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और 16 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। झगड़े के कारण एहतियात के तौर पर गाँव बाजपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं कोरोना वायरस के दौरान संबंधित लोगों पर धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बाजपुर सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों के पास से दो असले भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बाजपुर गांव में पहले एक झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच में, और उसमें हमने 8 लोगों के अगेंस्ट लॉकडाउन का मुकदमा लिखा, किंतु उसी में से एक पक्ष दूसरे किसी और से मिलते हुए किसी और तीसरे पक्ष से उनकी रात को दोबारा लड़ाई हुई, जिसमें काफ़ी लोग थे। उसमें हमने 24 लोगों की नामजदगी कर रखी है, 16 की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं जो अभी अरेस्ट नहीं हुई हैं। इसके अलावा जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें बलवे की धाराएं लगी हुई हैं, लॉकडाउन की लगी हुई हैं। उसके अलावा इनके पास से दो असले बरामद हुए हैं, जिसमें से एक 3/25 में है और एक 30 आर्म्स एक्ट में जो लाइसेंस था उसको बुक किया है। और इसके अलावा हमने इसमें जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसकी धारा 7 भी लगा रखी है। हाँ, इसमें पता लगा है कि एक असले से फायरिंग की गई है, हर्ष फायर किया गया है, तो उसमें हमने इसलिए 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट की भी मुकदमा पंजीकृत किया। इसमें लगभग 6 लोग घायल हुए हैं।